नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों के ऊपर। तो इसमें पहला प्रश्न आता है, ए 1 1, बी 7 -3 तथा सी 12 2। शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्स। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो प्यारे दोस्तों, हमने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो पढ़ा था। वो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राई एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। ये इसका फॉर्मूला होता है हमारा। ये किस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है ये। तो इसमें देखो, मैं ये मान लेता हूँ, ये तो मान लेता हूँ ए, ये ऐसे है त्रिभुज, कोई भी ऐसे मान लेते हैं ये ए, ये 1 1, इसको बोल देता हूँ x1 y1, इसको हमने बोल दिया x1 y1, और इसको बोल देता हूँ मैं बी, और बी है 7 -3, और सी हम मान लेते हैं 12 2, और इसको बोल देते हैं x3 y3, और इसको x2 y2। क्लियर यहाँ तक? और इसका हमें क्या याद करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ, देखो यहाँ रख देता हूँ, बराबर 1/2 x1 है 1 1 y2 y2 इतना है -3, y3 है -2 है, तो माइनस आगे लग जाएगा, प्लस x2 कितना हमारे पास 7 7, और ये y3 कितना है, ये 2, फिर माइनस y1 कितना है 1, ये प्लस x3 हमारे पास कितना है, ये रहा 12, और भाई y1 कितना है 1, और y2 कितना है -3, तो 1 -3। क्लियर? तो इसको सोल्व कर लूँ तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर सरल करेंगे तो 1/2, ये कितना हो गया -5, प्लस 7, और 1 प्लस 12, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 प्लस का आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारे पास आ गया 1/2 -5 प्लस 7, और 12 × 4 48, और ये आ गया 1/2, यहाँ से बच गया 2 + 48 इक्वल टू 1/2 × 50 इक्वल टू 25 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? तो ये हमारा एरिया हमने फाइंड कर लिया, किसका? यदि किसी भी ट्रायंगल की वर्टिसेस कौन कौन से हों, ए बी और सी हो, ए बी और ये सी, तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे और आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर हम, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। देखो मैं नोट करके लिख लो, नोट, तीन बिंदु ए x1 y1, बी x2 y2 तथा सी x3 y3 संरेखीय होंगे।
रेखीय बोलते हैं इसको, कोलिनियर, को लीनियर, क्योंकि यदि ये आ जाए एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाए, जीरो आ जाए। क्लियर? तो ये हम नोट कर लेंगे, ये तीन बिंदु, ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, सी एक्स थ्री वाई थ्री, ये कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब होता है वो तीनों बिंदु है ना एक ही लाइन के ऊपर होंगे, अर्थात ये तीन बिंदु हैं एक रेखा के ऊपर स्थित होंगे, अर्थात उनसे बना त्रिभुज क्या होगा, जीरो होगा, शून्य होगा। तो शून्य होगा तो ये जो कंडीशन आती है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कि तीन बिंदुओं को कोलिनियर प्रूव करने का, कि उस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाए, यदि जीरो हो जाए तो हम कह देंगे कि भाई वो तीन पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन के ऊपर उपस्थित हैं। क्लियर यहाँ तक? अब देखो भाई, हम इसके बेस एक क्वेश्चन करते हैं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पर। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु के 2 - 2k -k+1 2k तथा -4 - k 6 - 2k संरेखीय है। तो इसको हमें सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे भाई इसको सोल्व, कि तीन बिंदु क्या हैं, संरेखीय हैं, संरेखीय हैं, तो इन तीन बिंदुओं से एक ट्रायंगल बनेगा और वो ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो तीनों बिंदु एक ही रेखा के ऊपर उपस्थित हैं। क्लियर? तो उपस्थित है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होती है, एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री, एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये जीरो आना चाहिए। क्लियर यहाँ तक कि भाई कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो ये कंडीशन हमें जीरो मिलती है। क्लियर यहाँ तक? तो एक्स वन कितना है हमारे पास, इसको नाम दे दो आप एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू ये वाई टू, ये एक्स थ्री और ये वाई थ्री। क्लियर? तो एक्स वन कितना है, के ले लो, के इंटू वाई टू कितना है, वाई टू ये लो 2k माइनस वाई थ्री कितना है हमारे पास, वाई थ्री ये रहा 6 - 2k, इसको कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं, प्लस एक्स थ्री, एक्स टू कितना देखो, ये एक्स टू है -k+1 और वाई थ्री -y1, वाई थ्री कितना है हमारा ये रहा 6 - 2k इंटू वाई वन, वाई वन कितना है 2 - 2k माइनस 2 - 2k फिर प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री कितना है अपने पास, एक्स थ्री देखो ये रहा -4 - k इंटू वाई वन, वाई वन कितना है ये रहा 2 - 2k माइनस वाई टू, वाई टू कितना हमारे पास माइनस का 2k। क्लियर? और इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो है। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि ये लीनियर कोलिनियरिटी की कंडीशन है। तो इसको सरल करो,
ये सिंपल है। के टू के देखो ये माइनस का है और ये माइनस प्लस का हो जाएगा, तो फोर के, और ये माइनस का सिक्स हो जाएगा, प्लस माइनस के प्लस वन, माइनस के प्लस वन। और ये देखो भाई ये माइनस माइनस का प्लस, ये प्लस का टू के, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये माइनस के प्लस वन, और कितना बच गया हमारे पास, ये बच गया छः माह से दो गया तो चार, तो ये चार क्लियर है ना यहाँ तक। तो प्लस माइनस का फोर, माइनस का के, और ये देखो इसको, ये माइनस और माइनस प्लस है ना, टू माइनस टू के, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया टू माइनस फोर के। अच्छा ये जीरो हो जाएगा ना, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो टू बचेगा, क्लियर है तक। तो ये इक्वल टू जीरो, वाई टू, वाई टू देखो ना कितना है, वाई टू, वाई प्लस का आएगा भाई, ये प्लस का टू के, तो ये आएगा ये प्लस का टू के। कर रहे हैं नहीं कर रहे, देख लेना भाई कहीं त्रुटि दे दे। ये माइनस का फोर के इक्वल टू जीरो, क्लियर। अब इसको आप करो सरल, करो सरल करेंगे तो कितना आएगा, देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ सरल, तो के को इससे गुणा करो, फोर के स्क्वायर माइनस का सिक्स के प्लस, इसको इससे गुणा करो कितना आएगा, माइनस का फोर के प्लस का फोर, और ये करो इसको इससे गुणा कर लो, प्लस ये देखो ये माइनस का एट, और इसको इससे करो माइनस माइनस प्लस, चार चौके सोलह के, और इसको इससे करो माइनस का टू के, और इसको इससे करो प्लस का फोर के स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्लियर यहाँ तक। अब देखो ये फोर के स्क्वायर है यहाँ पर, और ये फोर के स्क्वायर कितने हो गए, आठ के स्क्वायर हो गए। अब यहाँ पर देखो आप, ये माइनस का छः के, और ये माइनस का फोर के, छः चार दस, और माइनस का दो के कितने हो गए, माइनस का बारह के, और ये प्लस के सोलह के है, तो प्लस का चार के बच गया। और ये देखो प्लस का चार है, माइनस का आठ है, तो माइनस का चार इक्वल टू जीरो, क्लियर यहाँ तक। अब इसका क्या करो, यहाँ तक आ गया, इसमें और कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, चार कॉमन आ जाएगा, टू के स्क्वायर प्लस के माइनस वन स्क्वायर टू जीरो आ जाएगा। अब के की वैल्यू याद कर लो, के इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर बी वन माइनस फोर ए सी फोर इंटू माइनस वन अपॉन टू इंटू टू माइनस वन प्लस माइनस, ये आ गया नाइन अपॉन फोर। तो यहाँ से देखना के की वैल्यू आएगी वन बाई टू, और के की वैल्यू आ जाएगी माइनस का फोर। एक बार प्लस साइन लेना, एक बार माइनस का साइन लेना, प्लस का ले लेंगे। देखो भाई ये कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा, तो माइनस वन प्लस तीन लेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा प्लस का, तो दो आएगा ऊपर, और दो आएगा नीचे कितना है चार, तो दो से दो कट जाएगा, और नीचे दो बचेगा एक बटे दो, और इसकी जगह माइनस का साइन लेना, तो माइनस का साइन लेंगे तो ये माइनस और माइनस का तीन, तो माइनस का चार ऊपर हो जाएगा बटे चार, तो कितना आएगा माइनस का एक। तो के की वैल्यू यदि कितनी होगी, एक बटे दो हो और माइनस एक हो, तो ये तीन बिंदु है, ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, क्लियर। कि यदि के की वैल्यू कितनी हो, वन बाई टू आ जाए और माइनस वन आए, तो इन दो वैल्यू के लिए ये तीन बिंदु क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, अर्थात एक ही रेखा पर उपस्थित होंगे, क्लियर है यहाँ तक। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु के टू माइनस टू के माइनस के प्लस वन टू के तथा माइनस फोर माइनस के सिक्स माइनस टू के संरेखीय हैं। संरेखीय का मतलब होता है कोलिनियर। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होती है, एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू। देखो याद करने का तरीका क्या है, वन टू थ्री, फिर इसको रोटेट करवा दो ऐसे,
याद करने का तरीका मान लो इसको, 1 2 और ये 3, 1 2 3, फिर कहाँ से स्टार्ट हो जाओ, 2 से, 2 3 1, 2 3 1, फिर कहाँ तक आ गए, 2 तक आ गए ना, तो 3 से स्टार्ट हो, 3 1 2, 3 1 2, ये इसको रोटेट कर लिया करो आप, तो इससे कि आपको ये याद हो जाएगा। तो याद करने का तरीका क्या हो गया, 1 2 3, 1 2 3, फिर 2 से चलो, 2 3 1, 2 3 1, फिर कहाँ से स्टार्ट हो जाओ, 3 से, 3 1 2, 3 1 2 इक्वल टू 0, क्लियर यहाँ तक। तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, देखो ये वैल्यू K1, इसको K1 मान लिया, X1 मान लिया, Y1, इसको X2, Y2, इसको X3, Y3, तो X1 की वैल्यू यहाँ रख दी K, और इसको सरल करते गए, सरल करते गए, मजदूरी ही तो करनी इसमें, गुणा भाग करना है, और ये पाए तो उससे बोधायन जो भी होता है ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से हमने ये वैल्यू रख दी यहाँ पर, सरल कर लिया, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, और ये हमारा कोलिनियरिटी कंडीशन चेक करने का काम आता है। थैंक यू।